मुख्यालय में गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में मौजूद है। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद है। यूपी मंत्रिमंडल विस्तार पर बैठक में चर्चा होगी और इसके अलावा लोकसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा। तो देखिए, बीजेपी मुख्यालय में गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक की दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं बैठक में शामिल होने के लिए। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ। तो देखिए, बीजेपी मुख्यालय में गृह मंत्री अमित शाह की यह बड़ी बैठक, सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल है। दिल्ली से संवाददाता स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति, क्या जानकारी बैठक को लेकर सामने आ रही है? देखिए शांतनु, बैठक शुरू हो चुकी है और बड़ी बैठक उत्तर प्रदेश को लेकर इस वक्त दिल्ली में चल रही है। बैठक की बात करते हैं तो गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद है। इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन तीन नेताओं के बीच इस वक्त बैठक चल रही है। बीजेपी के केंद्र कार्यालय विस्तार में ये बैठक हो रही है। तीन महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर आज की बैठक में चर्चा हो रही है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आज फाइनल चर्चा होगी और उसके बाद कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कभी भी किसी भी वक्त मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। इसके साथ ही प्रभारी के नाम को लेकर भी चर्चा आज की बैठक में हो रही है कि किसे उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया जाएगा। सूत्र बता रहे हैं कि कई नाम है जिसको लेकर लगातार चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक फाइनल जो है वो नहीं हो पाया है कि उत्तर प्रदेश का प्रभारी किसे बनाया जा रहा है। और तीसरे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो है लोकसभा चुनाव, कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह से तैयारियां हैं, क्योंकि शांतनु आपको भी पता है कि लगातार 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में रखा है कि किस तरह से 80 सीटों पर जीत हासिल यूपी में भारतीय जनता पार्टी को हो सके। इन तीनों मुद्दों को लेकर अभी बैठक दिल्ली में चल रही है और कहा जा रहा है कि जैसे ही बैठक खत्म होगी उसके बाद उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। आपने देखा कि सुबह ओम प्रकाश राजभर की तरफ से कहा भी गया कि 7 नवंबर को वो तारीख बताएंगे, लेकिन आज की जो बैठक हो रही है वो मंत्रिमंडल विस्तार की तरफ अगर हम देखें तो अहम माना जा रहा है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव की क्या तैयारियां यूपी में है उसको बिल्कुल स्वाती, और देखिए कहा जाए कि डिप्टी सीएम के साथ भी उनकी मुलाकात जो है हुई है, तो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक तरह से थ्रेट बीजेपी को दिया जा रहा है, क्योंकि गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन जो है उसमें कहीं ना कहीं दरार ना पड़ जाए, और इसी वजह से ये थ्रेट जो है एक तरह से दिया जा रहा है। मंत्री कब बनाया जाएगा, ओम प्रकाश राजभर लगातार सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने तो एक नई तारीख का भी ऐलान कर दिया है कि 7 नवंबर तक बता देंगे। तो ऐसे में ये जो बैठक हो रही है ये काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है आगे लोकसभा चुनाव के लिए भी। जी बिल्कुल, देखिए कई महीनों से चर्चाएं हैं कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और कहा यही जा रहा है कि आज की बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ चर्चा हो रही है कि किन्हें मंत्री बनाना है। ओम प्रकाश राजभर की बात करते हैं, जब वो गठबंधन का हिस्सा बने थे, एनडीए में आए थे, तब से वो लगातार कह रहे हैं कि मंत्री को लेकर बातचीत हुई थी और ये भी बताया जा रहा है कि 10 तारीख के अंदर ही मंत्रिमंडल का विस्तार उत्तर प्रदेश में हो सकता है। अब अगर हम लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखते हैं तो यूपी में किस तरह से अभी तैयारियां चल रही है, क्योंकि बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी 2024 में चाहती है और खास तौर पर अगर ध्यान है तो वो है यूपी पर कि किस तरह से बड़ी जीत वहां से हो सके, क्योंकि यूपी से ही दिल्ली का रास्ता होता है और 80 सीटों पर अगर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल होती है तो बड़ी जीत होगी। इसको लेकर भी किस तरह से यूपी में तैयारी चल रही है उसको लेकर बैठक में चर्चा होगी और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी बताया जा रहा है कि बैठक में मंथन हो रहा है इस वक्त, क्योंकि बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद है, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है। तो इन तीनों नेताओं के बीच अहम बैठक इस वक्त केंद्रीय कार्यालय विस्तार में चल रही है। बिल्कुल, और देखिए लोकसभा चुनाव कहा जाए कि स्वाति, लोकसभा चुनाव की तैयारियां चूंकि की जा रही हैं और गठबंधन हमने देखा कि किस तरह से कई पार्टियां जो है वो एनडीए में शामिल हैं, इन पार्टियों को साधने की कोशिश भी की जा रही है, और उसी कड़ी में जिस तरह से छोटी छोटी पार्टियां हैं वो ये चाहती हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले जो तमाम
मसले हैं भारतीय जनता पार्टी और अन्य जो पार्टियां जो एनडीए गठबंधन में शामिल हैं उनको सुलझा लिया जाए और इसी वजह से कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार और लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जो चर्चा की जा रही है आपस में कनेक्टेड ये दोनों ही मसले और इनको ही लोकसभा चुनाव से पहले पूरी तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृहमंत्री अमित शाह भी सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, किस तरह से सबको साथ लेकर चला जाए इसको लेकर बीजेपी लगातार जो है वो मंथन करती है और सबको साथ लेकर चलने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार की जाती है। लेकिन आज की जो बैठक इस वक्त दिल्ली में चल रही है उसमें लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें शांतनु, तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अलग अलग सम्मेलन भी बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, चाहे हम दलित सम्मेलन की बात करें, हम महिला सम्मेलन की बात करें, तो अलग अलग सम्मेलन के जरिए भी भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर आम आदमी से करना चाहती है और आम आदमी के पास पहुंचना चाहती है। और आज जो बैठक हो रही है तो आगे किस तरह से रणनीति उत्तर प्रदेश में खास स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। पार्टी ने कई सीटों पर अपने मौजूदा सांसदों को भी उतार दिया है। राज्य की परंपरा है कि